लीनियर मोशन में फोर्स का क्या काम है? द फोर्स चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स इट कैन चेंज, इट कैन इंक्रीज द वेलोसिटी, इट कैन डिक्रीज द वेलोसिटी एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन। ये तीनों काम फोर्स करता है। ये काम जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है, एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में ये काम टॉर्क करता है। ठीक है, सो द टॉर्क इज कॉज विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इसको डेफिनेशन नोट कर लीजिए, टॉर्क इज द कॉज विच चेंजेस कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। And when we say it changes the condition, what does it mean? It means it can increase the rotation, make it fast. जैसे इंजिन, कार का इंजिन एक्सेलरेटर दीजिए, व्हील ज्यादा फास्ट घूमेंगे। It can decrease it, टॉर्क can decrease the rotation speed, जैसे कि हमारी कार में ब्रेक काम करती है। तीसरा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। एक चीज अगर ऐसे रोटेट हो रही है लाइक दिस एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, तो ये ऐसा रोटेट क्यों होगा? क्योंकि इसमें टॉर्क लगा। इस तरह से जब हम टॉर्क लगाते हैं तो या तो रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी या कम होगी या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तीनों के लिए जो चीज काम करती है वो क्या है? टॉर्क। टॉर्क को हम लोग एंगुलर फोर्स भी कहते हैं। फोर्स दो तरह के होते हैं, एक फोर्स वो जो लीनियर मोशन बनाता है, दैट इज नोन एज लीनियर फोर्स, और एक फोर्स वो होता है जो एंगुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन बनाता है, दैट इज एंगुलर फोर्स और टॉर्क। देखिए, ये हमारे पास एक रॉड है, हमारे साइकिल का हैंडल, इसमें हमने फोर्स लगाया। दो तरह से लगाया, एक बार हम इस पर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे पकड़ा हैंडल को और ऐसे खींचा, तो क्या होगा? पूरा हैंडल ऐसा चलता जाएगा, नीचे की साइकिल भी उसके साथ ही ऐसे घिसटती जाएगी। दूसरा, हमने क्या किया, इस फोर्स को नॉर्मल लगाया ऐसे। जब हम इस पर ऐसा फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है? ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल। और ये कौन सा मोशन है? लीनियर। तो फोर्स को लगाने का तरीका ये डिसाइड करता है कि मोशन लीनियर होगा या रोटेशनल होगा। अगर हम फोर्स को सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पर लगाते हैं, ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास। और मान लीजिए ये बॉडी है, ये वाली बॉडी है दिस, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसकी लाइन है, इस लाइन के अलोंग मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ये कौन सा मोशन हुआ? ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा कौन सा मोशन हुआ? रोटेशनल मोशन। तो फोर्स वही है 10 न्यूटन, अगर सेंटर ऑफ मास की लाइन में लगाएंगे तो लीनियर मोशन करेगा और अगर परपेंडिकुलर लगाएंगे तो। अब यहां पर लगाऊंगा तो क्या होगा? ये सेंटर ऑफ मास है, ये लाइन है, अगर यहां लगाऊंगा तो ये कौन सी डेफिनेशन में आ गया? अलोंग दी सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या पैदा करेगा? लीनियर। सो इफ यू अप्लाई द फोर्स एट ए पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को छोड़कर किसी दूसरे पॉइंट में आप फोर्स लगाएंगे तो वो वाला फोर्स क्या इफेक्ट पैदा करेगा एंगुलर मोशन, दैट विल बी नोन एज एंगुलर फोर्स। ओके, एक छोटी सी चीज, ये इस पर हम फोर्स लगाते हैं ऐसे,
इस फोर्स के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, एक या यहां लगाने की बजाय लेट्स मेक इट एट दिस पॉइंट, ये हमने ऐसे फोर्स लगाया, इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट बनाए, ये सेंटर ऑफ मास है, एक कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास और इसकी डायरेक्शन में ऐसा, दूसरा कंपोनेंट ऐसा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन, फोर्स के दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन, ये दो कंपोनेंट। अब ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है परपेंडिकुलर, ये वाला फोर्स पैरेलल, ये क्या करेगा, इसको लीनियर मोशन कराएगा, सीधा ले जाएगा, और ये क्या करेगा, घुमाएगा, एंगुलर मोशन कराएगा। तो ये वाला फोर्स क्या कराएगा, फोर्स, यस दिस इज फोर्स फॉर लीनियर मोशन, दिस इज फोर्स फॉर, इसको सिर्फ फोर्स बोलेंगे और इसको एंगुलर फोर्स बोलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि एंगुलर फोर्स क्या होता है। एनीवे हम लोग फिर से वापस आते हैं, टॉर्क, टॉर्क वो कारण होता है, टॉर्क इज द कॉज विच चेंजेस कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। नाउ हु क्रिएट्स द टॉर्क, द आंसर इज फोर्स क्रिएट्स द टॉर्क। कौन सा फोर्स टॉर्क क्रिएट करता है, क्या सभी फोर्स टॉर्क क्रिएट करते हैं, आंसर इज नो, देयर हैज टू बी सर्टेन कंडीशन, व्हाट इज दैट कंडीशन, और ये कंडीशन आपको बहुत कम बताई जाती है, द टॉर्क इज क्रिएटेड बाय ए कपल ऑफ फोर्स, एक सिंगल फोर्स कभी भी टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता, टॉर्क इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय ए कपल, ठीक है। तो अगली चीज हम लिख लेते हैं, टॉर्क इज क्रिएटेड बाय ए कपल ऑफ फोर्स, ओके। अब ये कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, कपल मींस जोड़ी, फोर्स की जोड़ी, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स के लिए हमने एक डेफिनेशन बनाई हुई है, जो कपल ऑफ फोर्स टॉर्क क्रिएट करता है वो कपल कैसा होगा, तो नोट करिए, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी सच दैट, एक ही बॉडी पर लगने चाहिए लेकिन उसकी शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या है, नंबर वन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, सो देर आर थ्री कंडीशंस वी कैन से, वन टू थ्री। पहली कंडीशन दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल, दूसरा अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए, एंटी पैरेलल, और तीसरी कंडीशन क्या है, उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर लगना चाहिए। ये जब ये वाली जोड़ी फोर्स की किसी बॉडी पर काम करती है तो हम क्या कहेंगे, कौन काम कर रहा है, कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करता है, टॉर्क क्रिएट करता है, टॉर्क के इफेक्ट को कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
रोटेशनल मोशन। तो ये आपको सीरियल याद रखना है, टॉर्क इज द कॉज जिसके कारण रोटेशनल मोशन होगा। टॉर्क खुद किससे क्रिएट होता है? कपल ऑफ फोर्स से क्रिएट होता है। कपल ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? वन पेयर, टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट एंड पैरेलल इन डायरेक्शन एंड अप्लाइड ऑन द डिफरेंट पॉइंट, तब रोटेशनल मोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे साइकिल का हैंडल, साइकिल के हैंडल में एक हाथ को पकड़ के हमने ऐसे खींचा, दूसरे हाथ को पकड़ के ऐसे दबाया, ये दोनों क्या लगा रहे हैं? इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो इन्होंने क्या क्रिएट किया? कपल ऑफ फोर्स। इस कपल ऑफ फोर्स के कारण क्या पैदा होगा? टॉर्क। और उस टॉर्क के कारण क्या होगा? रोटेशनल मोशन। तो हमारा साइकिल का हैंडल ऐसा घूम जाता है, राइट? सो टॉर्क क्रिएट्स द रोटेशनल मोशन। ये समझ आया? उसके बाद कार का इंजन चलता है, उससे रोटेशनल मोशन पैदा होता है व्हील्स में, तो हम क्या कहते हैं? इंजन क्या क्रिएट करता है? टॉर्क। इसी तरह से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक एक घूमते हुए व्हील को रोक देता है, तो रोटेशनल मोशन में जो कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन चेंज करें उसको क्या कहते हैं? टॉर्क। तो वो भी क्या है? टॉर्क। तो जब आप कैटलॉग देखेंगे कार का, मोटरसाइकिल का, तो उसमें लिखा रहता है, उसमें फोर्स नहीं लिखा रहता है, इंजन के डिटेल में, इंजन के डिटेल में टॉर्क लिखा रहता है, हाउ मच टॉर्क इज क्रिएटेड बाय द इंजन। क्यों? क्योंकि मोशन कौन सा होना है? रोटेशनल मोशन। इसलिए क्या चीज हमको बताई जाएगी? टॉर्क। ठीक, तो ये होता है टॉर्क। अच्छा, अब इस टॉर्क के बारे में और आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले नेचर, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? द आंसर इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो पहले लिखिए नेचर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या लिया था हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वॉज ए स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क क्या लेना है? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप देख रहे हैं किसके बदले में आ रहा है? ये फोर्स के बदले में आ रहा है। जो काम फोर्स करता है वही काम टॉर्क करता है, मोशन को कम ज्यादा करना। और फोर्स कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर। तो टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये इसका नेचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज इफ वी अप्लाई फोर्स हियर दिस इज 90 डिग्री, दिस विल मेक ए रोटेशनल मोशन, दिस विल बी रेडियस ऑफ द रोटेशन। ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, यहां पर हम फोर्स लगाते हैं जैसे साइकिल के हैंडल, तो इसको हम कहते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क ऑफ द लीवर, आर्क इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, सेंटर ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देन मोमेंट ऑफ द फोर्स, तो अभी जो जो चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को
कौन क्रिएट करता है? कपल ऑफ फोर्स। ये यहां से हमने लगाया, एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, दोनों फोर्स इक्वल है। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से r1 है और ये वाला डिस्टेंस r2। Let me make it cleanly again. This is a lever. यहां पर हमने एक फोर्स इधर लगाया F, और इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर लगाया। इसमें हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटर पर, कहीं भी हो सकता है। जैसे इस पॉइंट को यहां हमने फिक्स कर दिया, तो इधर का डिस्टेंस है R1, इधर का डिस्टेंस है R2, टोटल डिस्टेंस R। सो R इज इक्वल टू हाउ मच? R1 प्लस R। ओके, जब हम इसको ऐसा करते हैं, इसको नीचे करते हैं, ये ऐसा घूमता है, ये फिक्स पॉइंट है, तो इसका मोमेंट कितना बना? आंसर है F इंटू R2। मोमेंट आपको याद है, मोमेंट ऑफ मास कैसे बनाया था? एम इंटू आर। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे बनेगा? एफ इंटू आर। ओके, सो कैलकुलेशन, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्सेस। इसने मोमेंट कितना बनाया? एफ इंटू आर। इसने मोमेंट कितना बनाया? एफ इंटू आर टू। दोनों के मोमेंट एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे तो हम प्लस कर देंगे, अपोज करेंगे तो माइनस कर देंगे। अब आप बताइए एफ ये वाला इसको कैसा घुमाता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ऐसा नीचे किया तो ये ऐसा घुमा, कैसा घुमा? क्लॉक की एंटी क्लॉक। ये वाला एफ जब इसको वैसे ऊपर ले जाएगा तो ये कैसा घूमेगा? अगेन एंटी क्लॉक। तो दोनों एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, दोनों का एक ही साइन होगा, दोनों का साइन प्लस होगा। तो टोटल कितना हो गया ये F R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू F इंटू R। ये टॉर्क आ गया। टॉर्क के फॉर्मूले में F इंटू R, F क्या है? फोर्स अप्लाई। R क्या है? R the total distance। ये total distance क्या होता है? The distance between the two forces, couple of forces में the distance between two forces, force into, कौन सा distance है ये? Perpendicular distance। Perpendicular distance between two forces, मान लीजिए यहां से यहां 10 सेंटीमीटर है, तो आप ये नहीं करोगे कि ये एक लाइन खींच दोगे और बोलोगे कि सर ये तो 12 सेंटीमीटर, तो F multiplied by 12, ये अलाउड नहीं। कौन सा डिस्टेंस हमको लेना है? विच इज एट राइट एंगल, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। दिस इज अवर फॉर्मूला, फोर्स। अच्छा, कितने फोर्स लग रहे हैं? टू, पर यहां आप कितना ले रहे हैं? वन। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमको दो फोर्स लिखने हैं, नहीं लिखने हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक फोर्स लिया है और ये दूसरा फोर्स लिया, ये तो कॉमन निकल के वन बना है ना, और आर वन और आर टू दोनों को मिलाकर आर बना है, तो ऑलरेडी दोनों का इफेक्ट आ गया। ये पहले का मोमेंट, ये दोनों का मोमेंट हमने लेके जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो क्वांटिटी आई है उसमें हम क्या देखते हैं? मल्टीपल टू नहीं आएगा, क्या आएगा? आर वन प्लस आर टू आर। व्हाट इज दिस आर? द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, राइट? तो ये क्या बना? टॉर्क विच इज मेड बाय ए कपल ऑफ फोर्स। द कैलकुलेशन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये बेसिकली इसकी कैलकुलेशन, राइट? अब अगली चीज देखिए, यहां तक सबको समझ आ गया? नेक्स्ट,
जब हम एक दरवाजे को बंद करते हैं, हमने एक दरवाजे को ऐसा बंद करने के लिए फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, एक, ये, और ये दरवाजा बंद हो गया। ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन, क्योंकि दरवाजा ऐसा गोल घूमता है। इस रोटेशनल मोशन में हमने कितने फोर्स लगाए? वन। लेकिन रोटेशनल मोशन किसके कारण होता है, क्या अप्लाई करने से होता है? टॉर्क। और टॉर्क को कौन बनाता है? लेकिन हमने कितने फोर्स लगाए? वन। तो हमारा नियम गलत है या कुछ एप्लीकेशन गलत है, कहां पर गड़बड़ हो रही है? क्या वन फोर्स लगाने से टॉर्क क्रिएट हो सकता है? क्योंकि हम तो हमेशा एक हाथ का फोर्स लगाते हैं और चीज घूम जाती है। किसी भी चीज को आप घुमाइए, दो तो नहीं लगाने पड़ते प्रैक्टिकली। तो इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी याद रखिए। कैसे थ्योरी याद रखिए, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ यहाँ कहीं नहीं पकड़ा है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इसको मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ। जब यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो ये ऐसा चला जा रहा है, ठीक है? एक ही सिंगल फोर्स लगाया और ये ऐसा चला गया। सिंगल फोर्स ने कौन सा मोशन पैदा किया? आंसर है लीनियर मोशन पैदा किया। अब अगर मैंने इस पर दो फोर्स लगाए, एक इधर और एक इधर, ऐसे, तो ये कौन सा हुआ? अब मैंने क्या किया, दो फोर्स नहीं लगाए, यहां पर एक नेल लगा दिया, कीला लगा दिया या एक कब्जा लगा दिया। दरवाजे में हम यहां क्या लगाते हैं? एक कब्जा लगाते हैं। अब लीनियर मोशन करने के लिए ऐसा फोर्स लगाया, ये वाले पार्टिकल आगे बढ़े, लेकिन ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? यहां पर कब्जा लगा हुआ है, यहां नेल लगा हुआ है जो कि इसको आगे नहीं बढ़ने देता। अगर ये नहीं बढ़ने देता तो इसका प्रोसेस क्या है आगे नहीं बढ़ने देने का? जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसको बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ेगा ये, क्या बता सकते हैं? सोचिए, देखिए, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ते हैं तो अर्थ इसको नीचे खींचती है, अर्थ नीचे खींचती है तो इसको कहां जाना चाहिए? नीचे। पर ये नीचे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? तो फिजिक्स की भाषा में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अर्थ के फोर्स को एक दूसरा फोर्स लगा के हम कैंसल कर रहे हैं। वो फोर्स कौन सा है? हाथ का जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या होता है? यस, एक बड़ा सिंपल चीज हमने बनाई हुई है, अर्थ ने इस पर एक्शन किया, किधर? नीचे। ये अर्थ का एक्शन हो रहा है तो हमारा मस्कुलर फोर्स जो इस पे लग रहा है, हाथ का जो फोर्स लग रहा है उसको हम नाम क्या देते हैं? रिएक्शन। ये है अर्थ का फोर्स एक्शन और ये मस्कुलर फोर्स, दिस इज रिएक्शन। तो एक एक्शन रिएक्शन पेयर बना। ओके, हमारे हाथ ने इस पर रिएक्शन लगाया, उस रिएक्शन के कारण ये नहीं चल। अब देखिए, ये वाली बॉडी यहां खड़ी है, दरवाजा है, यहां कब्जा लगा हुआ है, मैंने यहां पर फोर्स लगाया है और ये पार्ट आगे बढ़ गया है, पर ये पार्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि कब्जा इस पर क्या लगा रहा है? रिएक्शन। क्या लगा रहा है? रिएक्शन। अगर ये कब्जा यहां पर नहीं होता और मैं इसको ढकेलता तो ये पूरा ऐसे आगे जा सकता था। कब्जे के कारण ये क्या हो रहा है? आगे नहीं जा रहा है क्योंकि कब्जा क्या लगा रहा है? रिएक्शन। और रिएक्शन एक्शन से कैसा होता है? रिलेटेड, इक्वल एंड अपोजिट। अब मैंने एक फोर्स ऐसा लगाया, एक्शन, इधर इस बॉडी पर इस कब्जे ने एक फोर्स लगाया, उसका नाम रिएक्शन, डायरेक्शन उल्टी, क्वांटिटी इसके बराबर। अब देखिए, इस बॉडी पर इस पॉइंट पर इधर फोर्स लग रहा है F, इधर फोर्स लग रहा है F, ये एक्शन और ये रिएक्शन। ये फोर्स मैं लगाता हूं और ये फोर्स इसका कब्जा लगाता है, तो इस बॉडी पर दो फोर्स लगेगी नहीं, दो लगे, इक्वल एंड अपोजिट लगे,
डायरेक्शन भी अपोजिट है और लगने वाले पॉइंट कैसे हैं अलग अलग, तो हमारी तीनों कंडीशन पूरी हो गई। कपल की कंडीशन क्या थी, देयर शुड बी टू इक्वल फोर्सेस, एंटी पैरेलल एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये दोनों शर्त तीनों शर्तें हो गई पूरी। तो दरवाजा कैसा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन, इसलिए ये रोटेशनल मोशन करता है। तो दरवाजे के रोटेशनल मोशन में कितने फोर्स लगे, दो, उसमें हमने कितना लगाया, एक, इसलिए हम क्या याद रखते हैं कि दरवाजे पे कितना फोर्स लगाना, एक, और वो घूमेगा, क्यों, क्योंकि दूसरा फोर्स कहां से पैदा हो गया, रिएक्शन। लेकिन हमारा प्रिंसिपल अपनी जगह पक्का है कि टॉर्क बनाने के लिए कितने फोर्स चाहिए, हाँ कपल ऑफ फोर्स ही चाहिए। तो अगर कोई ये कहेगा कि सिंगल फोर्स टॉर्क बनाता है, देन इट इज अ रॉन्ग प्रिंसिपल, टॉर्क के लिए दो ही चाहिए। हम सिंगल लगाएंगे वो अलग बात है, हमने नहीं लगवाना है तो अपने दोस्त से लगवा देंगे, ठीक है, तो लेकिन फोर्स तो दो ही चाहिए, ठीक। दूसरा फोर्स नॉर्मली हम लोग रिएक्शन से लगवाते हैं। अब देखिए फॉर्मूला में कैसा चेंज आएगा, ये एक डोर है, इस डोर पर हमने यहां फोर्स लगाया और यहां पर इसका कब्जा है, तो अगर हमारा ये फोर्स अप्लाइड है तो यहां पर ये कौन सा फोर्स पैदा हुआ, रिएक्शन। अब बताइए इस टॉर्क की कैलकुलेशन क्या हुई, एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये वाला डिस्टेंस है इस दरवाजे की चौड़ाई, विड्थ डब्ल्यू, तो टॉर्क कितना हो गया, एफ इंटू डब्ल्यू, या इसको डब्ल्यू को बदल देते हैं, डी कर देते हैं, एफ इंटू डी, द डी इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ये हमारी शर्त पूरी है जो हमने पढ़ी थी। अब हमने इसका नाम बदल दिया, नाम कैसे बदल दिया, शर्त तो पूरी है ना, लेकिन ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, दूसरा फोर्स तो हमको दिखता ही नहीं है, हमको तो एक ही फोर्स दिख रहा है और दरवाजा दिख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, हमको मालूम है कि दूसरा फोर्स कहां लग रहा है, एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो हम ये कहते हैं कि ये फोर्स को ले लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस एट फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है कि दूसरा फोर्स कहां लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ रोटेशन पे लगा हुआ है, और हमारी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, लेकिन दूसरा फोर्स ही कहां पर है, पॉइंट ऑफ रोटेशन पे, इसलिए हम डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हमको दिखता है, दूसरा फोर्स दिखता नहीं है, तो आप किसको नाप सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस को कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन नाप सकते हैं, तो हम अपने फॉर्मूले में यही वाले वर्ड यूज करते हैं। तो अब ये क्या बना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये प्रैक्टिकली हम लोग फॉर्मूला इसका यूज करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये आपके वो सारे डाउट क्लियर करता है कि कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स एक बार लेना है कि दो बार लेना है, एक फोर्स टॉर्क बनाता है कि दो फोर्स टॉर्क बनाते, और जब हम साइकिल के हैंडल को एक हाथ से पकड़ के घुमाते हैं तो बताइए एक फोर्स टॉर्क बना रहे हैं कि दो फोर्स टॉर्क बना रहे, दो फोर्स, एक तो हम बोलेंगे दूसरे को ढूंढ सके तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढ सके तो नहीं ढूंढ सके, लेकिन फोर्स तो दो ही। तो जब एक फोर्स हम साइकिल के हैंडल को लगाते हैं तो दूसरा फोर्स ऑटोमेटिकली कहां पैदा हो रहा है, एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और पॉइंट ऑफ रोटेशन मतलब सेंटर में जहां बोल्ट लगा होता है साइकिल के हैंडल में, वो वाले पॉइंट पे रिएक्शन पैदा होता है। ये ऐसा पैदा हुआ, हमने ऐसा फोर्स लगाया, हैंडल ऐसा घूम गया, ठीक है, लेकिन फोर्स तो अगर ओके ये टॉर्क हुआ तो डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, अगर हमने साइकिल के हैंडल पर यहां फोर्स लगाया तो हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा,
और अगर दोनों हाथ लगाएंगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बड़ा हो गया, टॉर्क की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। समझ आया? तो ये टॉर्क हो गया। अच्छा, अब टॉर्क का फॉर्मूला हमने बना लिया एफ इंटू आर। अब ये टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेचर कैसा है इसका? वेक्टर। अगर इसका नेचर वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? तो आंसर है, टॉर्क की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। क्योंकि एक्सिस कैसी होती है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क लिखिए, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रोटेशन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रोटेशन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन according to right hand screw rule, ये right hand screw rule हमने vector products में पढ़ा, ठीक है? तो इसलिए मैं दोबारा इसको भी समझाऊंगा। This gives the direction of torque. और टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये टॉर्क का फॉर्मूला है और एफ इंटू आर याद नहीं करना। क्या याद करना है? आर इंटू एफ। पहले कौन सा आएगा? आर। क्यों ऐसा? क्यों? कोई अंतर पड़ता है क्या? आंसर है यस, अंतर पड़ता है। कैसे अंतर होता है देखिए, ये एक वेक्टर है आर, पोजीशन से जहां हम फोर्स लगाते हैं ये वाला उसका पोजीशन वेक्टर है ये आर, और ये वाला वेक्टर है एफ, वेक्टर आर वेक्टर एफ। अब दोनों तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाइए, आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर, डायरेक्शन किधर आएगी? पहले करते हैं आर क्रॉस एफ, तो हाथ को किधर रखना है? आर की तरफ, आर की तरफ। मोड़ना किधर है? एफ की तरफ। एफ किधर है? ऊपर। तो ये ऊपर नहीं मुड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब ये ऊपर मुड़ा, तो ये है आर और ये है एफ। अंगूठा किधर आ गया? इस तरफ। ये है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब एफ क्रॉस आर करिए, पहले हाथ को किधर रखना है? पहले एफ लिखा है तो पहले एफ की डायरेक्शन में रखिए, फिर आर किधर है तो आर को ये ऐसा। अब अंगूठा किधर है? अंदर की तरफ। तो एफ क्रॉस आर किस तरफ दिखाता है? अंदर की तरफ, और आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ। तो दोनों एक जैसे हुए कि अलग अलग हुए? अलग अलग। इसलिए R क्रॉस F और F क्रॉस R में एक ठीक और एक गलत। तो ठीक कौन सा है? R क्रॉस F, राइट? इसीलिए ऐसे ही नहीं है कि F क्रॉस R और R क्रॉस F कोई भी लिख ले चलेगा, नहीं चलेगा। आपको R क्रॉस F ही लिखना है और वेक्टर में पहले R आना चाहिए। अब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो हमारा आंसर है आर एफ साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड की कोई डायरेक्शन नहीं,
चूंकि मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन नहीं होती इसलिए हम इसको एफ आर साइन थीटा लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। और ये सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये होगा और इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो फिर से देखिए ये टॉर्क आया एंड टॉर्क इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा नॉर्मल है, ये हो गया टॉर्क जिसमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना लेना है आर एफ साइन। ओके तो ये टॉर्क के बारे में इतनी सारी चीजें हो गई, हाँ जी समझ आया। अब हम किसी चीज पर लगने वाला टॉर्क इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम क्या लगाते हैं और टॉर्क कैसे बनता है, ये एक छोटी सी चीज याद रखिए। हम लगाते हैं फोर्स और घूमने वाली चीज पे क्या लगता है टॉर्क, फिर से हम क्या लगाते हैं फोर्स और घूमने वाली चीज पर क्या लगता है टॉर्क। जैसे हमने एक बोल्ट टाइट करना है, स्क्रू टाइट करना है बोल्ट, तो बोल्ट का टाइट होना घूमना कौन सा मोशन है लीनियर की रोटेशनल, तो उसको अगर हम रोटेशनल मोशन देना चाहते हैं तो हमको फोर्स बताना है कि टॉर्क, टॉर्क रोटेशनल मोशन देना है तो क्या लगाना है टॉर्क। टॉर्क बनता किस किस से है, किस किस से बनता है आर और एफ, एफ तो हम लगाएंगे। अब एक बोल्ट को खोलने के लिए या एक भारी दरवाजे को चलाने के लिए हमको टॉर्क चाहिए 100 टॉर्क चाहिए इस दरवाजे को ऐसा खोलने के लिए। इस दरवाजे का रिएक्शन इधर लगेगा, कब्जा यहां है पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन से अगर हम एक मीटर के डिस्टेंस पर फोर्स लगाएं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, टॉर्क है 100 आर को कितना ले रहे हैं हम 1 रेडियस या आर की लंबाई कितनी है 1 मीटर इनटू फोर्स, तो फोर्स कितना लगेगा 100 लगेगा, ठीक है। अब अगर हम इस दरवाजे को 2 मीटर दूर जाके धक्का देते हैं कितना 2 मीटर, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा 50, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर से सुनिए, एक बोल्ट को यहां से हमने हाथ से पकड़ा, ये रेडियस है इसका, ये रेडियस है 1, फोर्स लगाया कितना फोर्स लगाना पड़ा 100, ये इसका डायमीटर 1 है और हमने फोर्स लगाया तो ये लगाना पड़ा हमको 100। अब हमने क्या किया, यहां पाना लगाया और स्पैनर लगाया, स्पैनर ये 10 सेंटीमीटर लगता है 10 सेंटीमीटर। अब यहां हम फोर्स लगाएंगे, इसको खोलने के लिए कितना टॉर्क चाहिए 100, आर हमने कितना बना दिया आर 10, तो बताइए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 10। तो हाथ से लगाएंगे तो कितना लगाना पड़ रहा था 100 और स्पैनर से लगाएंगे तो 10, क्योंकि ये हमने क्या बना दिया 10। अगर हम 10 भी नहीं लगा पा रहे, मान लो ट्रक का बोल्ट खोलना है चक्के का और इसको चाहिए 1000 न्यूटन, हमने ये लगाया 10, यहां पर बोल्ट है और ये बोल्ट पे हमने यहां पर फोर्स लगाया हाथ से इधर और इधर। अगर हम इसको ऐसे हाथ से खोलना चाहते हैं तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन हमारे पास नहीं, तो हम क्या करते हैं यहां पर ऐसे स्पैनर लगा देते हैं, अब ये स्पैनर यहां से यहां तक
20, मान लो 20 मीटर है, अब यहां हम फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ता है, टॉर्क कितना चाहिए 1000, ये कितना है 20 मीटर, तो यहां कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन, तो आर बड़ा करने से एफ छोटा होगा, ठीक है। ये अगर हम 50 भी नहीं लगाना चाहते हैं तो हम इसमें एक पाइप डालते हैं, पाइप डाल के ये लंबा पाइप, अब हमने इसको कर दिया 40, अब यहां फोर्स लगाएंगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 25, ठीक है। इतना कम फोर्स लगा के हम उस बोल्ट को खोल सकते हैं जिसको खोलने के लिए ओरिजिनली टॉर्क कितना चाहिए था 1000, हमने सिर्फ 25 फोर्स लगा के इसको बना दिया क्योंकि हमने आर्म की लंबाई बढ़ा दी। ये चीज समझ में आई? तो जब हम स्पैनर यूज करते हैं, इस तरह की कोई भी चीज यूज करते हैं, तो हम किस चीज को बढ़ाते हैं, फोर्स को कि टॉर्क को? टॉर्क। किसको बढ़ाते हैं? टॉर्क को, और फोर्स को कम कर, समझ आया? तो लंबा आर्म करते जाएंगे टॉर्क बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो ये है, ये टॉर्क की इस तरह की कैलकुलेशन, तो ये टॉर्क का नेचर हुआ। और टॉर्क क्या क्रिएट करता है? रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है। अब आगे देखिए, फोर्स लीनियर मोशन में क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो टॉर्क क्या देता है? टॉर्क देगा एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सो व्हाट डज टॉर्क क्रिएट? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टॉर्क क्या होता है, फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज टॉर्क? विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। हु क्रिएट्स द टॉर्क? कपल ऑफ फोर्स क्रिएट्स द टॉर्क। इन केस ऑफ सिंगल फोर्स वी अप्लाई, देन रिएक्शन एक्ट्स एज इट्स, यस, एक्शन रिएक्शन एक्ट एज द सेकेंड फोर्स। इन दैट केस द फॉर्मूला बिकम आर एफ, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हो गया टॉर्क के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा, व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर व्हाट डू वी इंक्रीज? द टॉर्क इज इंक्रीज। अच्छा, इसके बाद हमने लिया टॉर्क इज ए डायरेक्शनल क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? Rf sin theta is the magnitude. तो ये magnitude, direction, cause, reason, ये सब हो गया। Torque को कैसे apply करते हैं ये भी हो गया। अब torque के बारे में और आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं। Yes। इसके बाद हम लेते हैं torque की relation of torque with moment of inertia। Torque is equal to R cross F। अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, तो टॉर्क कितना होगा R into F। This we can write as R into F is equal to mass into acceleration and into acceleration। acceleration को angular acceleration में convert करिए। कैसे convert करेंगे? x is equal to r theta, displacement velocity v is equal to r omega, और acceleration a is equal to r alpha। ये तीनों चीजें क्या है? एंगुलर। ये तीनों चीजें क्या है? लीनियर। ओके, तो a is equal to r into alpha, ये चीज हमने यहां लिखनी है, a के लिए r into alpha। अब ये एम आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो वी विल राइट दिस आई इनटू अल्फा। ये क्या बना? टॉर्क।
तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है एंगुलर मोशन में, ये दोनों एंगुलर क्वांटिटी है, ये दोनों लीनियर क्वांटिटी, तो लीनियर क्वांटिटी में टॉर्क किसके बराबर होता है आर इंटू एफ, एंगुलर क्वांटिटीज में किसके बराबर होता है आई इंटू अल्फा। फोर्स किसके बराबर होता है इनर्शिया इनटू लीनियर एक्सेलरेशन, इनर्शिया मतलब मास, लीनियर एक्सेलरेशन ए, ये क्या होता है एफ। टॉर्क रोटेशनल मोशन में इनर्शिया की जगह क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। देख रहे हैं दोनों का नेचर कैसा है एक समान, दोनों की डेफिनेशन कैसी है एक समान, कैसे एक समान, व्हाट इज फोर्स क्रिएट्स लीनियर मोशन, व्हाट इज टॉर्क क्रिएट्स रोटेशनल मोशन, दोनों का काम वही है मोशन को चेंज करना, लीनियर को, इसलिए इसको हम लीनियर फोर्स बोलते हैं और टॉर्क को एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं, राइट। तो टॉर्क का नेचर वही होता है जो लीनियर मोशन में फोर्स का नेचर होता है, वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये होता है टॉर्क। तो किसी भी चीज को गोल घुमाना है, अगर हमको पंखे को गोल घुमाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी वो पंखा गोल घूमेगा। तो इसके अंदर जो मोटर है वो मोटर इस पर टॉर्क लगाती है, इसलिए ये पंखा चलता है। अगर वो टॉर्क न लगाते, लीनियर फोर्स लगाएगी तो पंखा आगे चला जाएगा, और टॉर्क लगाएगी तो क्या होगा अपनी जगह पर रोटेट होता रहेगा, इसलिए क्या लगा रही है टॉर्क लगा रही है, ठीक है। तो ये होता है टॉर्क। अच्छा, अब इसके बाद छोटी छोटी कैलकुलेशंस टॉर्क की एक दो और हैं, उसको लिख लेते हैं, देन वी नो द टॉर्क। ये एक एक्सिस सिस्टम है, यहां पर एक पॉइंट पी है, इस पी का पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर, ये हम कर क्या रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। यहां पर इस पॉइंट पी पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन एफ, एफ की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इनके बीच का एंगल है थीटा। बात समझ में आए, ये वाला एफ ऐसे लग रहा है, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला, F के दो कंपोनेंट बनाते हैं, F के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, राइट एंगल टू ईच अदर। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, जब इस रॉड को, इस रॉड को ये वाला फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ये क्या करेगा घूमेगा, जब ये वाला फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड क्या करेगा, क्या ये घूमेगा या लीनियर मोशन में चला जाएगा, वेरी गुड। तो इस एफ का नाम है एफ रेडियन, ये किसकी डायरेक्शन में है रेडियस की डायरेक्शन में है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन ये रेडियल डायरेक्शन में है, इसलिए इस एफ का क्या नाम है एफ रेडियन। और इसका नाम, जब ये इसको ऐसे घुमाएगा तो ये क्या है इसकी टेंजेंट, इसलिए इसका नाम एफ टेंजेंशियल, एफ टेंजेंशियल। तो एफ के हमने दो कौन कौन से टुकड़े किए,
एफ रेडियल और एफ टेंजेंशियल, ये दोनों शब्द याद रखिएगा क्योंकि आगे जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी मैकेनिक्स। एफ रेडियल उस समय बार बार एफ रेडियल एफ टेंजेंशियल ऐसा यूज किया जाएगा। तो आपको समझना है कि एफ टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, पोजिशन वेक्टर पे राइट एंगल। क्यों? क्योंकि जब सर्कल बनेगा तो वो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन। एफ रेडियल क्या होता है, जब सर्कल बनेगा तो वो कौन सी डायरेक्शन है, रेडियस की, इसलिए उसका नाम क्या है, एफ रेडियल। ओके, तो ये एफ रेडियल और ये एफ टेंजेंशियल। अब थीटा की भाषा में एफ रेडियल का मैग्नीट्यूड बताइए। वेरी गुड। और एफ टेंजेंशियल, एफ साइन। ओके, अब ये बताइए कि टॉर्क यानी घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफ साइन थीटा की एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क कितना बनेगा, आर मल्टीप्लाइड बाय एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू आर इनटू एफ, कौन सा एफ, टेंजेंशियल। ये इसका फॉर्मूला बना। बनाने का तरीका समझ में आया, इसमें रटने की बात नहीं है, तरीका बनाना आपको समझ में आना चाहिए। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आप ऐसे फटाफट दो लाइन खींचेंगे और किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने ये एक डायग्राम बनाया। इसमें दूसरे टाइप का डायग्राम कैसा बनेगा उसको देखिए। फिर से ये पोजीशन वेक्टर है आर, यहां पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में एफ, और ये एंगल है थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, एफ के दो टुकड़े नहीं करते, मान लो एफ के दो टुकड़े करना पॉसिबल नहीं है, तो हम ये करते हैं कि ये एफ की डायरेक्शन को एक्सटेंड किया, इस पॉइंट से यहां पर एक नॉर्मल बनाया और इस आर के हमने दो फैक्टर कर दिए, कंपोनेंट कर दिए, वन इज दिस कंपोनेंट एंड अदर इज दिस कंपोनेंट। हमने वेक्टर के बारे में स्टडी की है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। अब इस कंपोनेंट के नाम पहचानिए, एक कंपोनेंट है जो एफ के पैरेलल है और एक कंपोनेंट है जो एफ के नॉर्मल है, दिख रहे हैं आपको, ये वाला कंपोनेंट क्या है, पैरेलल टू एफ, तो इसका नाम हमने रखा आर पैरेलल। और ये वाला कंपोनेंट कैसा है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ एफ, तो इसका नाम रखा आर नॉर्मल, आर परपेंडिकुलर और आर पैरेलल, ये दो हो गए। अब बताइए कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो कौन सा आर आर्क का काम करता है, साइकिल के हैंडल का काम कौन करता है, आर पैरेलल कि आर नॉर्मल, आर नॉर्मल, दिख रहा है, ये वाला फोर्स ऐसा लगाएंगे तो यहां पर घुमाना है तो इस आर का कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसा सीधा चला जाएगा, ये वाले आर के कारण इस पे टॉर्क लगेगा, इसलिए यहां पर टॉर्क कैसा बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय एफ। अब आर नॉर्मल कितना है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब ये आर हमने नॉर्मल लेना है, आर नॉर्मल की वैल्यू कितनी, आर साइन थीटा, तो इसको क्या लिखना है, आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एफ की वैल्यू फुल एफ, तो ये क्या आ गया, आर एफ साइन थीटा। वही आया,
तो हम चाहे F के दो कंपोनेंट बना लें, चाहे R के दो कंपोनेंट बना लें, टॉर्क तो उतना ही आएगा, मेथड अलग अलग हो सकते। तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन किससे हुआ, इसमें आपका इंट्रोडक्शन हुआ F रेडियल क्या होता है, F टेंजेंशियल क्या होता है, ये रेडियस पैरेलल किसको बोलते हैं और रेडियस नॉर्मल किसको बोलते हैं। ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये सारे शब्दों को भी अच्छे से पहचान लीजिए, इनका मीनिंग पहचान लीजिए और ये टॉर्क के फॉर्मूला हो गए। अब सिर्फ एक फॉर्मूला टॉर्क का बाकी है कि अगर टॉर्क में आर और एफ ये दोनों हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हुए हैं, किस तरह से आर हमको दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और F दिया हुआ है एफ एक्स इन I, एफ वाई इन J एंड एफ जेड इन K S। तो टॉर्क कितना होगा, ये हम लोग वेक्टर में कर चुके हैं। टॉर्क किसके बराबर होगा, R क्रॉस F। अब R क्रॉस F इसमें कितना होगा बताइए, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ऊपर क्या लिखा जाता है आई जे के, इसके नीचे आर, आर में तीनों कंपोनेंट क्या है एक्स वाई जेड, उसके बाद एफ, एफ के तीनों कंपोनेंट क्या है एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। तो ये हो गई टॉर्क की कैलकुलेशन इस टर्म्स में, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ने हमको आर और एफ की वैल्यू दी है तो टॉर्क की वैल्यू इस तरह से निकाली जाए। इसके मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज आप कर चुके हैं तो आप इसका टॉर्क निकाल सकते, ठीक। तो टॉर्क का ये तरीका है, ये तरीका है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का तरीका है। फिर से एक लाइन का क्वेश्चन, टॉर्क क्या क्रिएट करता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। टॉर्क क्या क्रिएट करता है, फोर्स क्या क्रिएट करता है, लीनियर एक्सीलरेशन। टॉर्क क्या क्रिएट करता है, टॉर्क किससे बनता है, कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ ही बोलिए क्योंकि उसी का मतलब क्या होता है, आर एफ साइन। डायरेक्शन किधर होगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू, ठीक है। ये टॉर्क हो गया, किसी भी घूमती हुई चीज को फास्ट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। स्लो करना है तो टॉर्क, डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी टॉर्क, ठीक है। घूमने वाली हर चीज में टॉर्क, राइट। तो ये सब टॉर्क के बारे में हो गया। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन बोलो, आई अल्फा। टॉर्क और फोर्स का रिलेशन, यस, टॉर्क इज इक्वल टू आर इनटू एफ, ये फोर्स और इसका। ये टॉर्क के बारे में प्रिलिमिनरी सारी चीजें हो गई। जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो उसके साथ फिर हम लोग आगे करेंगे। अभी बताइए।